हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9, लाइट का पार्ट 7। अगर अभी तक आपने पार्ट 6 विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 6 विजिट करें, और जरूर करें अगर आपने पार्ट 6 विजिट नहीं किया है, क्योंकि उसमें मैंने आपको क्या कराया था, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो। और उन रूल्स को यूज करके अपन आज क्या बनाने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो देखो, वहां जो रूल्स थे उसमें से सिर्फ दो रूल्स ही अपने लिए काफी होंगे, उसको मैं एक बार रिकैप करवा देता हूं। अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो लेंस से जब रिफ्रैक्ट होगी उसके बाद फोकस से पास होगी। ठीक है, अपन पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखते हैं। तो अगर कोई लाइन मैं ऐसे लाऊंगा तो यहां से रिफ्रैक्ट करने के बाद वो फोकस से पास करूंगा। दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा, अगर कोई लाइन ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है तो वो थ्रू एंड थ्रू सीधी की सीधी निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज, डायग्राम बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक ऐसे डॉट 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 करके एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस डॉट वाली लाइन से 2.5 सेंटीमीटर पे इधर F1, 2.5 सेंटीमीटर पे इधर F2, 5 सेंटीमीटर पे इधर 2F1 और 5 सेंटीमीटर पे इधर 2F2। फिर उसके बाउंड्री पर जो है अपन क्या बना देंगे, ऐसे लेंस बना देंगे, और लेंस जितना थिन बना सकते हैं उतना थिन बनाएंगे। ठीक है, ऐसे फुला हुआ नहीं बनाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक एक करके करते हैं। सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, इन्फिनिटी पे, और अपन सब जानते हैं, मिरर में भी देख चुके हैं, अगर लाइन इन्फिनिटी से आती है तो अपन कैसी लाते हैं, पैरेलल बीम लाते हैं। तो ये लाइन पैरेलल आई, पैरेलल आने के बाद यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी। ये भी पैरेलल है, ये भी फोकस से पास, ये भी पैरेलल है, ये भी फोकस से पास, ये भी पैरेलल है, ये भी फोकस से पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब सारी की सारी लाइनें कहां पर मर्ज हो रही है, फोकस पे मर्ज हो रही है। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गया, पॉइंट साइज्ड इमेज बनेगी, एकदम छोटा सा डॉट जैसा बनेगा इमेज। और क्योंकि यहां एक्चुअल में लाइन मर्ज हो रही है, इसका मतलब ये रियल होगी, जो रियल होता है वो कैसा कैसा होता है, इन्वर्टेड भी होता है, और ये इमेज कहां बन रही है, F2 पे बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, बिटवीन इंफिनिटी और 2F1, मतलब ऑब्जेक्ट को जो है इंफिनिटी पे नहीं रखा हुआ है लेकिन 2F से पीछे रखा हुआ है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, यहां सी वर्ड यूज नहीं करते, उसकी जगह ट्वाइस ऑफ F यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन को हर में सिर्फ दो ही लाइनें करनी है, इतने आराम से डायग्राम बनेंगे। यहां से एक लाइन ऐसे सीधी लाए यहां तक, यहां लाने के बाद उसे फोकस से पास करवा दी, और दूसरी लाइन यहां सीधी ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दी। तो आप देखोगे कि F2 और 2F2 के बीच में ये लाइन क्या हो रही है, ये जो पॉइंट है ये मर्ज हो रहा है, जहां पे मर्ज हो रहा है ऊपर से लेकर यहां तक अपन इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो देखेंगे कि ये वाला जो एरो बना रहा हूं ये इस एरो से छोटा आएगा आपके, ठीक है, आपके एकदम क्लियर बनेगा। तो कहां बन रही है इमेज, बिटवीन F2 और 2F2, स्मॉल बन रही है, एक्चुअल में मर्ज हो रही है इसलिए रियल है, और कैसी है, साथ में इन्वर्टेड भी है। एक ये एरो लगाने ना भूलें, बिना एरो के रे डायग्राम बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे, जीरो नंबर दे देगा आपको। नेक्स्ट लेते हैं 2F1 पे, वो का वो 2F1 पे रखा, वही दो लाइन है, पैरेलल लाइन, और टकराने के बाद, सॉरी टकराने के क्या बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां से पास हो जाएगी, F2 से, और दूसरी लाइन सीधी ऑप्टिकल सेंटर से, और ये कहां पे मर्ज होगी, 2F2 पे, तो 2F पे वापस बन जाएगी। ठीक है, तो कहां बन रही है, 2F2 पर, इक्वल साइज, रियल और इन्वर्टेड। अगर आप में से अभी भी कुछ लोग कंफ्यूजन है कि 1 किस तरफ 2 किस तरफ, तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखेंगे वो 1 और दूसरी साइड क्या कहलाएगी, 2। अगर आप ऑब्जेक्ट इस तरफ रख रहे हैं तो ये F1 और ये 2F1 और ये F2 और 2F2 बन जाएंगे। अपन ऑब्जेक्ट इस तरफ रख रहे हैं इसलिए F1 और 2F1 इस तरफ और F2 और 2F2 इस तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट अपने जो ऑब्जेक्ट है वो अपन कहां रखेंगे, 2F1 और F1 के बीच में, अगेन वही दो लाइन है, सीधी लाए और यहां फोकस से पास करवा दी और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दी। तो आप देखोगे कि ये जो जहां पर मर्ज हो रही है ऊपर से लेकर यहां तक, एरो बना देंगे उल्टा, ठीक है, यहां से मिलाने की कोशिश करनी है तो उल्टी डायरेक्शन में ही मिला रहे, तो उल्टा ही इमेज बन रहा है। ठीक है, ये जो साइज है इस साइज से बड़ी आ रही है, और कहां पर आ रहा है, 2F2 के बाद में, तो 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में लार्ज है, एक्चुअल में मर्ज हो रही है तो रियल है और उल्टा तो दिख ही रहा है। नेक्स्ट है अपन को कहां पे रखना है ऑब्जेक्ट, F1 पे, अगेन वही दो पॉइंट, एकदम सीधी लाइन लानी है, F2 से पास करानी है ऑप्टिकल सेंटर से, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल आएगी, और पैरेलल आने का क्या मतलब है, ये आगे जाकर कहां पर मिलने वाली है, इनफाइनाइट पे मिलने वाली है। ठीक है,
तो ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो ये है वो कहां पे मिलेगा? इनफाइन पे मिलेगा। बहुत ही ज्यादा क्या होगा? लार्ज होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट, अपन ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? ये ऑब्जेक्ट है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से एक लाइन सीधी लानी है, F2 से पास करवा देनी है। ये ऐसे आई और F2 से पास हो गई, और एक लाइन यहां ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखेंगे आगे की तरफ ऐसे दूर होती जा रही है, तो अपन ऐसे भी नहीं कह सकते कि ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी, क्योंकि जितनी दूर जाएगी जितनी एक दूसरे से क्या होती जाएगी, दूर। लेकिन इसको अगर पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करूं तो ये कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अब ये लोड मत देना कि सर मेरे F1 पे मिल रही है, आपके बीच में मिल रही है, मेरे 2F1 पे मिल रही है, कहीं पे भी मिले, इस ऑब्जेक्ट के पीछे कहीं पे भी मिलेगी। ये बड़ी होगी साइज में, और अपन ने जबरदस्ती मिलाई है इसलिए ये कैसी होगी? वर्चुअल। और यहां से जहां मिलती है यहां से मैंने क्या कहा, लाइन ड्रॉ करनी है। तो नीचे मिल रही थी तो अपन नीचे बना रहे थे, ऊपर मिल रही है तो अपन ने ऊपर बना दिया। तो कैसी आ रही है? सीधी आ रही है। तो ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, सेम साइड मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज भी दिख रही है, लार्ज है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब है कि इसके यूजेज क्या क्या है। तो सबसे बेसिक यूज है, अपन हैंड लेंस यूज करते हैं, जो एक तरह का क्या है, मैग्निफायर। वो मैग्निफायर क्या होता है? बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस होता है, और किस केस में वर्क कर रहा है? इस केस में, ठीक है। तो ये अपना वो हैंड लेंस है अपने पकड़ा हुआ, और ये हैंड लेंस के अपन ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं, और ऑब्जेक्ट वाली साइड में ही अपन को बड़ा सा ऑब्जेक्ट दिखता है। दिखता है या नहीं दिखता? तो मैग्निफायर। एक आपको पता हो तो अपने जो अपन जो स्पेक यूज करते हैं, चश्मा यूज करते हैं, वो दो तरीके का होता है, एक जिससे अपन को बड़ा बड़ा दिखता है और एक जिससे अपन को छोटा दिखता है। तो जिससे अपन को बड़ा दिखता है वो वाला कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। और बेसिकली ये कॉन्वेक्स लेंस कौन सी डिजीज को करेक्ट कर रहा है? हाइपरमेट्रोपिया। इस चैप्टर में अपन आगे इस डिजीज को डिस्कस करेंगे। ऐसे पर्सन को दूर का एकदम साफ दिखाई देता है, पास का साफ दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो उसको करेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, जो चश्मा होता है उसके लेंस में क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप वगैरह होते हैं उसमें भी क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो दो दो लेंस यूज कर लेंगे, ठीक है। प्रोजेक्टर वगैरह होता है, प्रोजेक्टर में से वो बीम आती है तो बीम को एक जगह मर्ज कराने के लिए वो बीम उसके अंदर से पास होनी चाहिए, तो मिरर तो ले नहीं सकते, मिरर पे तो टकरा कर वापस आ जाएगी। तो वो जो आगे जो प्रोजेक्टर आपने देखा होता है सबसे आगे वो ग्लास जैसा लगा होता है, वो बेसिकली क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसके अंदर से लाइट ऐसे मर्ज होती है एक जगह पर, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए और ये डायग्राम बना लीजिए अच्छे से। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो देखो कॉनकेव लेंस से अपन को क्या करनी है, इमेज बनानी है। इसके लिए क्या करेंगे अपन, वही दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लेकिन उसको अच्छे से समझ लेते हैं अपन, ठीक है। जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो तो सीधी निकलेगी इधर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो लाइन पैरेलल आएगी उसको अपन को क्या करना है, ये डॉट डॉट वाली लाइन तक लाना है, और उसके बाद क्या करना है, इस तरफ जो अपन एफ लगाएंगे उस पे ऐसे डॉट 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 से मिला देना है, मिला दिया, और उसके बाद इसको ऐसे कर देना है। तो ये लगेगा ऐसे कि ये लाइन ऐसे आई और फिर ऐसे गई, लेकिन अगर इसको पीछे मिलाते तो ये कहां पर मतलब मर्ज होती, फोकस पे पास होती, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो लाइन अपन ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे वो तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे वो तो सीधी निकलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दो प्रॉपर्टी को यूज करके अपन क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट रखते हैं इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे पैरेलल लाइन लाएंगे, हर लाइन ऐसे ऐसे फैल जाएगी, और अगर उन्हें पीछे खींचेंगे, क्योंकि सारी पैरेलल लाइन ऐसे फैलेगी लेकिन पीछे खींचेंगे तो वो कहां पर आएगी, फोकस पे। इसका मतलब वो कहां पर मर्ज हो रही है, फोकस पे मर्ज होते हुए दिख रही है, एक्चुअल में मर्ज नहीं हो रही, इसका मतलब वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल पॉइंट साइज और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, और कहां पे बन रहा है, F1 पर बन रहा है, F1 बोले तो सेम साइड पे बन रहा है, 2 वाली दूसरी साइड होती है, ठीक है। दूसरा, आप कहीं पे भी रख दो, इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी आप रख देना इसको, ठीक है। और ये आप ऐसे मत कंफ्यूज होना कि ये 2F पे रखा हो, कहीं पे भी रख दो, ठीक है। जनरली आप डायग्राम बनाने के लिए क्या करना, F जो लेते हैं उसके जस्ट बाद में कहीं पे भी बना देना। एक लाइन अपन सीधी लाएंगे और वो इस तरीके से ऊपर जाएगी कि उसको पीछे खींचते तो वो कहां पे पास होती, फोकस पे, और दूसरी लाइन अपन ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पास करा देंगे। ये दोनों लाइनें जहां इंटरसेक्ट हो रही है उस पर अपन क्या करेंगे, वो इमेज बना देंगे। यहां इंटरसेक्ट हो रही है यहां से लेकर यहां, तो ये कैसा है, इरेक्ट है,
एक्चुअल में तो मर्ज हो नहीं रही क्योंकि ये लाइन तो इधर जा रही है और ये लाइन इधर जा रही है, लेकिन इसको पीछे डॉट 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 से खींचो तो ये मर्ज हो रही है। तो मतलब वर्चुअल है, इरेक्ट है, स्मॉल है और सेम साइड पे ही बन रही है। और किसके बीच में बन रही है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बन जाएगा ये डायग्राम भी। इसमें भी वो F1, F2, 2 F1, 2 F2, ये कितने? वही 2.5 और 5 सेंटीमीटर पे लगाने हैं। ठीक है, अपन को सारी डिस्टेंस और सारी जो वो ऐसे रिफ्रैक्शन है वो इस डॉट डॉट वाली लाइन से कराने। ठीक है, ये सिर्फ शेप अपने यहां पर शेप जैसा बनाना। और एक चीज, ये जितना पतला बना सको उतना पतला बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूजेज क्या है? तो एक डिजीज होती है मायोपिया। कुछ लोगों को ऐसे होता है कि पास का तो साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का साफ दिखाई नहीं देता। उनका अगर अपन चश्मा देखें तो उस चश्मे से अपन को देखने पर क्या होता है कि छोटे छोटे दिखाई देते हैं, थोड़ा कंपेरेटिवली स्मॉल दिखाई देता है। वो जो होता है, वो जो आई, मतलब आई के ऊपर जो लेंस लगा रखा है, वो लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस होता है। और ऐसी डिजीज को मायोपिया कहते हैं। इसके बारे में भी अपन आगे और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टेलीस्कोप वगैरह में भी क्या यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन अपन पहले कर चुके, तो ऑलमोस्ट लगभग लगभग सब कुछ वही है। रूल तो वही है कि ऑब्जेक्ट से अपन को जिस तरफ ऑब्जेक्ट लेंगे उस तरफ से जो रे आएगी उस रे की तरफ से अपन को लाइट की डायरेक्शन माननी है। सारी डिस्टेंस अपन को पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी है। अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से, सपोज करो ये लाइट की डायरेक्शन है और ऑप्टिकल सेंटर से लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट चलता हूं तो कैसा लूंगा? नेगेटिव। लाइट की डायरेक्शन में चलूंगा तो कैसा लूंगा? पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अपन ने वहां पर साइन कन्वेंशन याद किए थे मिरर के, कुछ क्यों ना उनको यूटिलाइज किया जाए। तो सारे साइन वो के वो ही हैं जो मिरर में थे। यू हमेशा नेगेटिव, एफ पॉजिटिव आता है कॉन्वेक्स के लिए, नेगेटिव आता है कॉनकेव के लिए, जो एच डैश है नेगेटिव आता है इमेज की हाइट के लिए, एच जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो पॉजिटिव आती है, एम जो मैग्निफिकेशन होता है वर्चुअल होने पे पॉजिटिव, रियल होने पे नेगेटिव, सब कुछ सेम है सिवाय एक वी के। ऐसा क्यों? देखो ध्यान से सुनना, जब अपन मिरर लेते थे तो मिरर में जब रियल इमेज बनती थी तो उसी साइड में बनती थी और वर्चुअल इमेज बनती थी तो अपोजिट साइड में होती थी, सही ना? जबकि लेंस जब अपन लेते हैं तो रियल इमेज उस तरफ बनती है और वर्चुअल इमेज सेम साइड में बनती है। तो वहां रियल इमेज के केस में नेगेटिव लेते थे और वर्चुअल के केस में पॉजिटिव लेते थे, या उल्टा है, लेंस में वी अगर रियल है तो पॉजिटिव लेना है, वर्चुअल है तो नेगेटिव लेना है। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, याद रखना वी का जो साइन है वो मिरर के साइन से अपोजिट होता है। वहां रियल के लिए नेगेटिव या रियल के लिए पॉजिटिव, वहां वर्चुअल के लिए पॉजिटिव या वर्चुअल के लिए नेगेटिव, बाकी सारे साइन सेम के सेम है। एक और चीज, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वहां एच डैश अपॉन एच था, यहां पे भी एच डैश अपॉन एच है, लेकिन वहां पर माइनस वी अपॉन यू था, यहां सिर्फ वी अपॉन यू है, आगे माइनस नहीं आएगा। ठीक है, एक और चीज, लेंस फॉर्मूला, जैसे मिरर फॉर्मूला क्या था? एफ वी और यू के बीच में रिलेशन, वो भी किसके लिए? मिरर के लिए, तो उसे मिरर फॉर्मूला कहा था। ठीक ऐसे कैसे एफ वी और यू के बीच में रिलेशन किसके लिए? लेंस के लिए, उसे अपन क्या कहेंगे? लेंस फॉर्मूला कहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते देखो, ये एफ वी और यू क्या है? फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ वी, आप सब जानते हैं वी क्या होती है? ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस। यू क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर वहां पर फॉर्मूला था 1/f = 1/v + 1/u, यहां फॉर्मूला है 1/v - 1/u। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद अपन न्यूमेरिकल करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, अ 3 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अपराइट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस है तो सारे साइन अपन को किसके हिसाब से लगाने हैं? कॉन्वेक्स लेंस के हिसाब से लगाने हैं। और ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट बोले तो ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं तो प्लस का क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कह रहा है फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ कैसे लेंगे? प्लस की। कॉनकेव लेंस होता तो माइनस की लेते। कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर। ये अपन ने नोट कर दिया 60 सेंटीमीटर। फिर और सॉरी 20 सेंटीमीटर। फिर और क्या दे रखा है? इफ द रियल इमेज इज एट 60 सेंटीमीटर फॉर्म लेंस। जो इमेज की डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 60। तो इमेज की डिस्टेंस अपन 60 सेंटीमीटर लिख देते हैं। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि रियल इमेज है,
ठीक है। अगर ये मिरर होता, मिरर के लिए रियल इमेज के लिए नेगेटिव साइन लगता है और वर्चुअल के लिए पॉजिटिव, लेकिन लेंस में रियल के लिए पॉजिटिव साइन लगेगा और वर्चुअल के लिए नेगेटिव, ठीक है। तो अपन ने प्लस का साइन लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है और मैग्निफिकेशन अपन को फाइंड करना है। आराम से करेंगे, देखो सबसे पहले 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू, अपन को यू फाइंड करना है, तो यू को इधर लेके आ जाओ, एफ को इधर, तो माइनस 1 अपॉन यू इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का हो गया और ये प्लस का था, इधर आ गया माइनस का हो गया। फिर 1 की जगह 1, वी की जगह वी की वैल्यू, वी की वैल्यू कितनी है 60, ठीक है, और माइनस की जगह माइनस और एफ की वैल्यू कितनी है 20, 60 और 20 का एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, ऊपर 1 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 60, ये कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 30। ये 1 अपॉन यू इक्वल टू है, यू इक्वल टू कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 30 अपॉन 1 बोले तो 30, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एक चीज देखो, आप में से कुछ बच्चों के कमेंट भी थे और उनको प्रॉब्लम भी थी कि ये माइनस का क्या मतलब है, तो अगर मुझे ऐसे पूछे कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, तो मैं 30 सेंटीमीटर बोल सकता हूं। अब ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस ये डिनोट कर रहा है कि वो लेंस के किस तरफ है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप साइन के साथ में लिख दें, ठीक है, लेकिन इस माइनस का मतलब वो है कि पोजीशन किस तरफ है, इस तरफ उस तरफ किस तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन अपन कैसे निकालते हैं, एम इक्वल टू वी अपॉन यू, अगर ये मिरर होता तो माइनस वी अपॉन यू करते, क्योंकि ये लेंस है, तो वी अपॉन यू, वी कितना है अपने, वी है अपना पहले से गिवन था 60, और यू अपना आ गया माइनस का 30, तो 60 और 30 कट हो जाएंगे, माइनस का 2 आ गया, माइनस का वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये इमेज कैसी है, रियल, वो तो पहले से ही गिवन भी है, ठीक है। फिर हाइट ऑफ इमेज, वैसे तो इसमें नहीं पूछा लेकिन अपन निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखो m इक्वल टू क्या होता है, h डैश अपॉन h, ठीक है, m गिवन है, गिवन तो क्या अपन फाइंड कर चुके हैं, और h अपन को पता है, तो h डैश कैसे निकालेंगे, इसको इधर भेज देंगे m इंटू h, m की वैल्यू क्या है, m देखो m आया माइनस 2 और h क्वेश्चन में दे रखा था 3, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया माइनस 6 सेंटीमीटर। अगेन अगर मुझे पूछे हाइट क्या है तो मैं बोलूंगा 6 सेंटीमीटर, तो ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस ये डिनोट कर रहा है कि जो है वो इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ है, ठीक है। अगर इरेक्ट होता तो प्लस का लिखते, तो वो इरेक्ट और इन्वर्टेड कैसे शो करें, उसके लिए प्लस माइनस यूज कर रहे हैं, ठीक है। और फिर भी आप कंफ्यूज होते हैं, एच डैश इक्वल टू पूरा ही लिख दो माइनस 6 सेंटीमीटर, एक्चुअल में हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर इन्वर्टेड, ठीक है, सॉरी हाँ इन्वर्टेड, अगर ये प्लस का 6 आता तो 6 सेंटीमीटर हाइट होती और इरेक्ट होता, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, एग्जाम्पल नंबर जो 8 है वो एकदम सिंपल सा है, ठीक ऐसे कैसे करना है, उसमें वी फाइंड करना है, यू दे रखा है, एफ दे रखा है, वी फाइंड करना है और एम फाइंड करना है, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 9, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब एफ 50 क्योंकि कॉन्वेक्स है तो प्लस का, और U भी दे रखा है किसका माइनस 30 सेंटीमीटर, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है तो माइनस 30 सेंटीमीटर लिख दिया। पहले अपन फोकल लेंथ निकाल देते हैं, सॉरी नेचर और पोजीशन निकालनी है तो बोले तो V फाइंड करना अपन को, तो 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, अपन को V फाइंड करना है तो इसको इस तरफ भेज देंगे, तो ये माइनस का इस तरफ गया था प्लस का, F और U की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, तो V कितना आ गया माइनस 75 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अपन m भी निकाल लेते हैं, v अपॉन u करके m निकाल दिया 2.5 सेंटीमीटर। अब अपन को इमेज के बारे में सारी प्रॉपर्टी लिखनी है, तो लिख सकते हैं देखो, पहला क्योंकि m जो है वो 1 से बड़ा है, और जब अपन ये चेक करते हैं कि 1 से बड़ा है या नहीं तो साइन को ध्यान नहीं रखते, ठीक है, तो 1 से बड़ा है, 2.5 आ रहा है जो 1 से बड़ी वैल्यू, इसका मतलब इमेज कैसी होगी, लार्ज होगी। m का साइन कैसा आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, m का साइन प्लस का होने का मतलब इमेज कैसी, वर्चुअल है, और अपन सब जानते हैं जो इमेज वर्चुअल होती है वो हमेशा इरेक्ट भी होती है, और उसकी डिस्टेंस कितनी है ऑप्टिकल सेंटर और लेंस से 75 सेंटीमीटर। हाँ अगेन अगर ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है, तो माइनस नेचर को शो कर रहा है कि इमेज कैसी है, तो इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पावर ऑफ लेंस, तो देखो लेंस का पावर मतलब लेंस कैसा काम कर रहा है, तो अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो वो लाइट को क्या करता है, मर्ज करता है, कन्वर्ज करता है, और कॉनकेव लेंस है तो लाइट को डाइवर्ज करता है, फैलाता है,
तो किसी लेंस की वो एबिलिटी कितनी है, कितना कन्वर्ज कर सकता है, कितना डाइवर्ज कर सकता है, वो उस लेंस की क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। और ये पावर फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। फोकल लेंथ जितनी कम होगी उसकी पावर ये उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कम है तो वो ज्यादा कन्वर्ज करेगा, और अगर वो कॉनकेव लेंस है तो ज्यादा डाइवर्स करेगा। ठीक है, तो देखो द पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ इट्स डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस तो किसमें मेजर करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस में। एंड डाइवर्जेंस वो किसमें मेजर करेंगे, कॉनकेव लेंस में, ऑफ अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन इट। मतलब लाइट रे जब लेंस पे गिरती है तो वो कितना कन्वर्ज करता है या कितना डाइवर्ज करता है, वो पावर क्या कहलाती है, पावर ऑफ लेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। और इसका फॉर्मूला भी फोकल लेंथ से निकाल सकते हैं, वन अपॉन एफ क्या होता है, पी होता है। तो इससे भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वन अपॉन एफ का मतलब एफ का उल्टा हुआ, तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नॉन एज पावर ऑफ लेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं, एफ जो होता है वो क्या है, फोकल लेंथ, और लेंथ किसमें मेजर करते हैं अपन, सेंटीमीटर मीटर में। तो यहां पर जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होगी, एफ को अगर मीटर में रखे तो क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। ठीक है, क्योंकि यहां नीचे मीटर होगा ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स। और इसी मीटर इनवर्स को डी भी कहते हैं, डायोप्टर। जैसे आप अपने अक्सर, आपको कोई पूछता है कि आपके चश्मे के नंबर क्या है, तो आप ऐसे बताते हो प्लस का दो, प्लस का तीन, माइनस का दो, माइनस का तीन, पर आप उसके पीछे यूनिट नहीं बोलते, वो बेसिकली यूनिट क्या है, डी। तो प्लस टू डी, माइनस थ्री डी, ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, पी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, सेम वैसे वैसे एफ कैसा है, अगर एफ नेगेटिव होगा तो पी भी नेगेटिव होगा, और एफ नेगेटिव होता है कॉनकेव लेंस के लिए, इसलिए पी भी नेगेटिव किसके लिए होगा, कॉनकेव लेंस के लिए, और F पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, इसलिए P भी पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब मेरी बात और ध्यान सुनना, अपन ने अभी जब यूजेस लिखे थे तो अपन ने लिखा था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हाइपरमेट्रोपिया में यूज करते हैं, जिसको पास का नहीं दिखाई देता, और जिनको पास का नहीं दिखाई देता उनके चश्मे के नंबर कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं। ये देखो प्लस का आ रहा है, उसका पी कैसा आएगा, प्लस का। और जिनको दूर का नहीं दिखाई देता उस केस में अपन कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, और उनके चश्मे का नंबर कैसा आएगा, माइनस का। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया ये चीज। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिन लेंस। अगर एक से ज्यादा लेंस को ऐसे चिपका चिपका के पास रख दे, पतले पतले लेंस को, तो उनके पावर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो उनकी पावर एड हो जाएगी। जैसे मान लो प्लस टू का लेंस है और दूसरा भी प्लस टू का है, तो उन दोनों को चिपका देंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लस फोर की तरह बिहेव करेगा। तो पावर तो डायरेक्ट जुड़ती है और फोकल लेंथ रेसिप्रोकल में जुड़ती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं, इस पे न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है, एफ दे रखा होगा पी निकालना होगा, पी दे रखा होगा एफ निकालना होगा। तो यहां पर देखो इनडायरेक्टली तरीके से क्या दिया कि एन आई लेंस प्रोजेक्ट द लाइट फ्रॉम इंफिनिटी ऑन वॉल एट 25 सेंटीमीटर। मतलब इंफिनिटी से जो लाइनें आती है उसको वॉल पे प्रोजेक्ट कर रहा है। अब मेरी बात आप ध्यान सुनना, जब लाइट इंफिनिटी से आती है तो वो कहां पर मर्ज होती है, फोकस पे मर्ज होती है। कहां पे मर्ज होती है, फोकस से। और वो फोकस कितने दूर दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो दे रखा है वो बेसिकली क्या दे रखी है, फोकल लेंथ। क्या दे रखी है, फोकल लेंथ। तो f इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और p कैसा है, 1 अपॉन f कर देते हैं, 1 0.25। अब ये 25 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया, क्योंकि p जो होता है वो मीटर इनवर्स में और डायोप्टर में निकालना है, उसमें मीटर में चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना जाएगा, 0.25 मीटर। तो 1 अपॉन 0.25 सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 4 डायोप्टर। क्योंकि ये प्लस का आ रहा है इसलिए कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और वैसे भी लाइट को वो मर्ज कर रहा है तो फिर कैसा होगा, कॉन्वेक्स ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते देखो, एन ऑब्जेक्ट, ये हाँ अपने एग्जाम्पल हो गए सारे। अब देखो टेक्स्ट बुक में अपने पीछे की तरफ जो एक्सरसाइज है, जो चैप्टर के आपके बाद में एक्सरसाइज है, उसका अपन ने फर्स्ट कर लिया था मिरर में, सेकंड भी कर लिया था मिरर में, और फिफ्थ कर लिया था मिरर में। पीछे कौन कौन से बचे हैं न्यूमेरिकल में, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। उसमें से सेवंथ अपने नेक्स्ट पार्ट का रहेगा। आज अपन तीन करेंगे, कौन सा, थर्ड, फोर्थ और सिक्स। तीनों एक जैसे ही है, थर्ड में यहां करवा रहा हूं, फोर्थ और सिक्स आगे की स्लाइड में सॉल्व किए हुए हैं, आप उधर से देख लेना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, तो u क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेते हैं, ये माइनस में लेते हैं। देखो लेंस और मिरर के क्वेश्चन एक जैसे ही है, तो उसकी प्रैक्टिस इसकी प्रैक्टिस एक जैसा ही है, बस आपको फॉर्मूले अलग यूज करने हैं और कुछ साइन इधर उधर है। ठीक है,
फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ कैसी लेंगे, प्लस की, वो कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, एफ 30 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है कि ऑब्जेक्ट की हाइट भी दे रखी है, कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है फाइंड द पोजिशन एंड नेचर, पोजिशन और नेचर निकाल। तो देखो h भी दे रखा है, अपन सबसे पहले v निकाल। 1 अपॉन f इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो 1 अपॉन v का फॉर्मूला निकालेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन u। f और u दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट करके एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 60। तो 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन 60, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, कितना आ जाएगा 60, ये हो गया 60। फिर m निकाल देंगे, m क्या आ जाएगा, v अपॉन u, v कितना है 60, u भी कितना है माइनस 60, कट हो जाएगा माइनस 1। अब देखो जो m की जो वैल्यू है, मोड ऑफ m जो है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब 1 आने का क्या मतलब है, इक्वल साइज का होगा। और m का जो साइन है वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये कैसा होगा, रियल होगा। और क्या चीज है, अगर ये रियल है तो ये कैसा होगा, इन्वर्टेड भी होगा, ठीक है। और v 60 है, इसका मतलब इमेज की जो डिस्टेंस है किससे, अपने लेंस से, वो कितनी है 60 सेंटीमीटर। एक और चीज अपन निकाल सकते हैं, एच डैश भी निकाल सकते हैं। तो देखो m इक्वल टू क्या होता है, एच डैश अपॉन एच, तो एच डैश क्या हो जाएगा, m इंटू एच। एम की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 1, और h की वैल्यू कितनी है 3, तो इसका मतलब h डैश भी कितना आ जाएगा, माइनस 3। अब यहां एक्चुअल में h डैश माइनस 3 आने का क्या मतलब है, कि हाइट जो है वो तो 3 सेंटीमीटर है, माइनस का मतलब है कि वो कैसी है, इन्वर्टेड है। कैसी है, इन्वर्टेड, मतलब उल्टी मिलेगी, और वो इधर भी आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने, जो आगे की स्लाइड में लगे हुए, आप वहां से नोट कर लेना। और इसी के साथ अपन आज के वीडियो के पार्ट को एंड भी करते हैं। एक लास्ट पार्ट और रहेगा आपके इस चैप्टर में, थोड़ा सा लंबा कर देंगे उसको और खत्म कर देंगे ये चैप्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए और खूब सारा हार्डवर्क कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।